अस्सलामु अलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल शाहिदा कैफ़े। आज शाहिदा कैफ़े में बनने जा रहा है अचारी चिकन। तो देखते हैं अचारी चिकन की रेसिपी। इसे हम बनाएंगे घर के मसालों से, जिसमें आपको बाहर का कोई भी यूज़ नहीं करना पड़ेगा। सो यहाँ पर मैंने सबसे पहले एक कुकर लिया है और इसके अंदर मैंने डाल दिया है 100 ml ऑयल, 100 ग्राम तेल। देख सकते हैं 2 कप लिए हैं मैंने, कप छोटे छोटे से हैं, जिसके अंदर 50 ग्राम के करीब आ जाता है। अब हम इसके अंदर ऐड कर रहे हैं 750 ग्राम चिकन, 3 पाव चिकन भी कहते हैं, 750 ग्राम भी। सो इसे मैं ऑयल के अंदर 2 मिनट तक फ्राई करूँगी, इसका जो पानी जो है वो ज़रा ड्राई हो जाए और जो इस चिकन में स्मेल सी आती है इससे वो भी नहीं आएगी, इसकी बदबू दूर हो जाएगी। सो 2 मिनट तक हमें इसे फ्राई करना है, आप देख सकते हैं। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट, 2 टेबल स्पून। यहाँ मैं 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट ले रही हूँ। इसे भी हम भुनेंगे 2 मिनट तक। इससे जो है, इसे भुनने से इसकी जो है, बताया था मैंने, स्मेल चली जाती है। लहसुन अदरक के जो फ्लेवर है ना, वो अंदर तक चले जाते हैं चिकन के, तो हमें इसलिए 2 मिनट तक भूनते हैं ये। अब हम इसमें मसाला ऐड करेंगे। यहाँ मैंने लिया है 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, पूरा 1 चम्मच लिया है, 750 ग्राम चिकन है। और 1 ही चम्मच हमने लिया है नमक हमने 1 चम्मच लिया है, 1 टीस्पून सॉल्ट और 1/2 टीस्पून टर्मरिक पाउडर, 1/2 चम्मच हल्दी। अभी इसको लेके हम मसालों को अच्छे से भुनेंगे ताकि इसका जो फ्लेवर्स हैं वो अंदर तक आराम से चले जाएँ चिकन के। जो हम बूटी तोड़ते हैं खाने में तो उसमें यही टेस्ट आता है। तो अब हम इसे भुनेंगे। अब इसे भुनने के बाद हम इसमें थोड़ा सा चेंज करेंगे, वो मैं आपको आगे बताती हूँ, पहले ये थोड़ा भुन जाए। अब जो है हम इसको, चिकन जो है ना भुन गया हमारा, अब हम इसे अलग निकाल लेंगे प्लेट में। ये देखिए सारा भुन गया। अब मैं इसको, इसका पानी जो है सारा ड्राई हो गया ना, मसाले भी दिख रहे हैं चिपके हुए नीचे, तो चिकन हमने निकाल लिया। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे प्याज स्लाइसेस में कटी हुई। यहाँ मैंने 3 प्याज ली हैं स्लाइसेस में कटी हुई। इसे हम थोड़ा सा सॉटे करेंगे 2 मिनट तक सिर्फ। ये देखिए आप देख सकते हैं कैसे पक रहा है। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे टमाटर जो है मैंने कद्दूकस कर लिए हैं, देख सकते हैं ये 1/2 किलो टमाटर हैं, 500 ग्राम टमाटर। इसे कद्दूकस कर लिया है, कद्दूकस करके जो है जब ये भुन जाएगा ना मसाला, कद्दूकस करने का फ़ायदा ये है मसाला भुन जाएगा तो इसमें छिलके नहीं दिखेंगे इसके। वैसे हम काट के डालते हैं तो थोड़ा छिलके आते हैं और ये आसानी से भुन भी जाएगा, काट के डालने पर इसे बहुत टाइम लगता है। तो हम इसके अंदर थोड़ा सा भुनने के छोड़ेंगे जो प्याज सॉफ्ट हो जाए, लो फ्लेम पे इसे रख देंगे। अगर हम चिकन को इसके साथ ही डाल दें ना तो चिकन गल जाता है और ये प्याज और टमाटर नहीं घुल पाते, क्योंकि चिकन जल्दी से पक जाता है। तो इसलिए हमने जो है चिकन निकाल दिया और ये डाल दिया। अब जो है जो प्याज टमाटर भुन गया हमारा, अब हम इसके अंदर चिकन ऐड कर दिया मैंने, चिकन ऐड कर दिया क्योंकि प्यारे हमारे प्याज भी घुल गई थी और टमाटर भी। प्याज थोड़ी सी खड़ी खड़ी रखी है हमने क्योंकि दही डालेंगे तो उसके साथ में ये हो जाएगी, अभी दही डाल के भुनाई होनी है। तो पहले मैंने पानी डाला, पानी डाल थोड़ा सा भुनेंगे हम, क्योंकि हमने चिकन जो है ना बिल्कुल भुना था, हमने गलाया नहीं था, ऐसे अच्छी तरह कुक नहीं किया। कुक जो होगा ये अब होगा, तो इसलिए प्याज खड़ी खड़ी है, ये बाद में जो है बिल्कुल सही हो जाएगी, आप देखिएगा। अब हम इसे छोड़ देंगे और अब हमें करना है मसाले ऐड। हम लेंगे अचार का मसाला, उसके अंदर ये, यहाँ मैंने ली है 2 चम्मच सौंफ, 1/2 चम्मच कलौंजी और 1/2 चम्मच मेथी दाना। ये हमारा अचार का मसाला तैयार है, इसे हम हरी मिर्चों के अंदर भरेंगे
और अब इस सालन इसमें चिकन के अंदर जो है मैं डाल रही हूँ दही। दही लिया है मैंने 200 ग्राम दही डालकर अभी हम मिक्स करेंगे, क्योंकि पानी जो है ड्राई हो चुका था वो मैं आपको दिखा नहीं पाई। सो अब जो है हमने दही डाल दिया, अब दही के साथ इसे कुक करेंगे। आप देख सक देखिए कितना अच्छा कलर आ रहा है। अब दही जो पानी छोड़ोगे ना, अब उसमें पकाएंगे हम। यहाँ मैंने हरी मिर्चों के बीज निकाल लिए हैं, 6-7 हरी मिर्चें ली हैं, इनके बीज निकाल लिए। जो वो अचार का मसाला था उसे मैंने ग्राइंड करना है, ग्राइंड हो गया अच्छे से। आप देख सकते हैं दर दरा रखा है, इसे हम हरी मिर्चों के अंदर भरेंगे और वो हरी मिर्चें हम उसके अंदर डालेंगे। पहले मैं 2 चम्मच मसाला डालूंगी सालन के अंदर। तो ये जो मसाला लिया था ना मैंने अचार का, वो अचार का मसाला मैं इसके अंदर ऐड करूँगी। पहले मैंने चेक कर लिया कि जो है ना चिकन गला है या नहीं। सो चिकन हमारा अच्छी तरह कुक हो गया। जब चिकन अच्छी तरह पक जाए तब हमें दम पर अचार का मसाला डालना है और हरी मिर्च डालनी है। सो जो मसाला मैंने ग्राइंड किया है वो मैं डालूँगी 2 चम्मच। 2 चम्मच मैंने मसाला डाल दिया। अब हरी मिर्चें जो भरी हैं मैंने वो इसके अंदर हम रखेंगे, ठीक है। अभी मैं आपको दिखाऊंगी डिटेल में। थोड़ा सा पहले अभी जो है ना मसाला थोड़ा सा बहुत ज़्यादा भुना भुना सा है, तो मैं इसके अंदर थोड़ा सा मसाला डाल वो पानी डालूँगी सॉरी पानी डालूँगी आधा कप पानी डाल के हल्का सा हिला के अब हम इसके अंदर हरी मिर्च रखेंगे। ये देखिए मैंने मसाला भर दिया, अब इसके अंदर हम हरी मिर्च रखेंगे। 5 मिनट के लिए हमने इसे दम पे छोड़ना है बस। 5 मिनट बाद जो है अभी मैं इसे ढक के रख दूँगी और 5 मिनट बाद हम इसे खोल के देखेंगे तो हमारा जो है ना चिकन अचार ही रेडी होगा। तो जो बचा हुआ मसाला था वो मैंने छिड़क दिया और अब मैं इसे कुकर का ढक्कन लगा दूँगी। सीटी नहीं लगाई मैंने, बस ऐसे ढक्कन ढक के रखा है ताकि स्टीम कम रहे, क्योंकि सीटी लगाएंगे तो पूरा प्रेशर बन जाएगा। स्टीम कम रहे हल्की सी। 5 मिनट्स हो चुके हैं तो लाओ अब ओपन करते हैं। हमारा चिकन अचार जो है बिल्कुल रेडी है सर्व करने के लिए। सो आई होप आपको ये मेरी रेसिपी बहुत ही अच्छी लगी होगी और बनाने में तो बहुत ही टेस्टी है। सो प्लीज़ इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मेरी वीडियोस पर अच्छे अच्छे कमेंट करिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच मेरी वीडियो देखने के लिए। थैंक यू, इन्जॉय करिए मेरी रेसिपी। अल्लाह हाफिज़।